कोई गैर मुस्लिम भाई हैं तो वो अपना सवाल कर सकते हैं माइक नंबर 2 से। मेरा नाम सुकांत चंद्र है, मैं मुर्शिदाबाद जिला का बेलडंगा से आया हूँ। मेरा सवाल हवा है, इस्लाम और राजनीति में क्या फर्क है, मुझे ये जानना है। वैसे मैं जानना चाहता हूँ किधर खड़े, इतना बड़ा सैलाब है इंसानों का, पूरा समुंदर है। सेकंड माइक्रोफोन किधर है? माशाल्लाह उधर सेकंड माइक्रोफोन, जी हाँ सेकंड माइक्रोफोन उधर है ना? हाँ जी हाँ। भाई साहब का सवाल है कि वो जानना चाहते इस्लाम और राजनीति में फर्क क्या है। इस्लाम आता है लव सलाम से, इसका मानी अमन, और कोई भी इंसान अगर अपनी जिंदगी अल्लाह सुबहाना व तआला के अहकामात के मुताबिक बसर करता है उसे कहते हैं मुस्लिम। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना अल्लाह सुबहाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के बाद। राजनीति है जिसे कहते हैं अंग्रेजी में पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से किस तरीके से राज को चलाना, राजनीति किस तरीके से राज को चलाना, किस तरीके से मुल्क को चलाना, देश को चलाना। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इस्लाम हैज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, वो सिर्फ कुछ चीजों के बारे में जिक्र नहीं करता बल्कि मुकम्मल दीन है जो एक इंसान को किस तरीके से जिंदगी बसर करना चाहिए इस दुनिया में उसके बारे में जिक्र करता है। ये पॉलिटिक्स लफ्ज जो है आज की तारीख में पॉलिटिक्स अक्सर गंदा हो चुका है, तो लोग जब पॉलिटिक्स बोलते हैं तो लोग समझते हैं ये गंदा शब्द है, लेकिन इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से देश पे हुकूमत करना उसके बारे में भी जिक्र है। आज की पॉलिटिक्स और इस्लाम में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस्लाम में पॉलिटिक्स है, इस्लाम मानता है खिलाफत में एक खलीफा होता है, और वो खलीफा जो सारी खिलाफत में ऊंचा दर्जा लगता है वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन कुरान एंड सही हदीस। तो कुरान जिस तरीके से हर मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का ये कुरान, कुरान इज द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, सारी दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है। किस तरीके से जिंदगी को बसर करना चाहिए, क्या चीज फर्ज है, क्या चीज हराम है, क्या चीज मुबाह है, इसमें सारी डिटेल है। और इसकी जो तशरी है या तफसीर आप बोलेंगे वो है सही हदीस, अल्लाह के रसूल की सही हदीस, जो अल्लाह के रसूल ने कहा जो सही हदीस है। ये दोनों को लेके अगर आप मुल्क या दुनिया को चलाएंगे तो ये इस्लाम के मुताबिक चलेंगे और हमेशा इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। अफसोस की बात है कि आज दुनिया में एक भी मुल्क नहीं है जो मैं कह सकता हूं कि 100% कुरान और सही हदीस पे चल रहा है। एक वक्त था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और उनके इंतकाल के बाद पहले चार खुलफा राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैं अल्लाह बी प्लीज विद देम ऑल, ये दौर सबसे सुनहरा दौर था। और सही राजनीति आप जानना चाहते तो इनको देखिए, इनके दौर को देखिए, अल्लाह के रसूल और पहले चार खुलफा राशिदीन के दौर, इनमें आपको सबसे बेहतरीन मिसाल मिलेंगी किस तरीके से हुकूमत करना चाहिए। ये सबसे अच्छी मिसाल है। अफसोस की बात है कि हम मुसलमान कुरान और सही हदीस से दूर हो गए, इसीलिए हम पीछे हो गए। इंशाअल्लाह मुसलमान जब कुरान और सही हदीस के करीब आएंगे तो इंशाअल्लाह फिर से वो ऊंचाई पे आएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।